छिंदवाड़ा के पांडुर्णा में लोगों की सतर्कता से एक युवती को मुक्त कराया गया। महाराष्ट्र की युवती को कुछ लोग राजस्थान ले जा रहे थे। इस युवती का कहना है कि उसे बेचा जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को पकड़ा है और मामले की जांच जारी है। थाने में खड़ी यह युवती मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त हुई है। महाराष्ट्र के मोर्शी की रहने वाली इस युवती को कुछ लोग काम दिलाने का लालच देकर राजस्थान ले जा रहे थे। रास्ते में जब ये लोग पांडुर्णा पहुंचे तो युवती को शक हुआ, जो इसे एक अनजान आदमी के हाथों 50,000 रुपए में बेचने का सौदा कर चुके थे। युवती ने बस स्टैंड पर शोर मचाया तो वहां मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आगे आ गए। गाड़ी में बिठा के वो पांडुर्णा से वो रवाना हो रहे थे तो वो महिला हमारे पास में आई। ये मेरे को जबरदस्ती क्या बोलते बाहर ले जा रहे थे। कहाँ पे लेके जा रहे थे? ये भवानी मंडी। कहाँ पे भवानी मंडी? ये राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर? क्या मालूम बेचने के लिए जा रहे थे? आपने बताया ना, उन्होंने बताया मेरे को कि एक आदमी ने बेचा थे। किसने बोला है बेचा कर? ये आदमी लोगों ने। ये कौन पहचानते इसको आप? पुलिस ने तत्काल ही मौके से 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ा। इनमें से एक महिला शामिल है। हालांकि गिरफ्तार किए गए लोगों का कहना है कि वो युवती की शादी कराने के लिए उसे राजस्थान ले जा रहे थे और इसमें युवती की रजामंदी थी। उसने ये बताया कि ये 4-5 लोग जो राजस्थान झालावाड़ जिले के हैं वो उसके गाँव आए थे और गाँव में उन्हें बातचीत करके इसको ले जा रहे थे। उसका ये कहना है कि ये काम कर रहा है। पहले उन्होंने बोला कि काम करोगे, उसके बारे में ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने बेच दिया। काम को कहाँ पे आपको? आई राजस्थान में। क्यों लेके जा रहे थे? क्यों लेके जा रहे थे? शादी करने के लिए। तो वो उसने तुमने बात कर दी तो इन लड़की ने बोल दिया कि मैं जाने के लिए तैयार है बासा, मैं जबरदस्ती से नहीं लाया बासा। छिंदवाड़ा पुलिस ने मामले की जांच में महाराष्ट्र पुलिस से मदद मांगी है। पुलिस को शक है कि ये गैंग पहले भी युवतियों को महाराष्ट्र से राजस्थान ले जाकर बेच चुका है। काशीपाल पांडे, सहारा समय, छिंदवाड़ा।